ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਵਲੌਗ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਆਪਣੇ, ਐਂਡ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵਲੌਗ ਸ਼ੂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਲੌਗ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਯੂਜੁਅਲੀ ਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਰਸਨਸ ਲਈ ਬੋਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ 'ਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਅਗਲਾ ਵਲੌਗ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਵਰਸ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। And the thing I was talking about is this GPS based fully autonomous payload delivery drone. So I'll tell you a little about the specifications of this. So flight controller से start करेंगे जो कि main brain होता है इस drone का, यही decide करता है कि कब किस certain position पर जो हमारी motor है उसका क्या RPM होगा। ये हमारी motors हैं, जो चार motors हैं basically drone के अंदर, हम usually चार motors use करते हैं। So our next component is ESC. ये जो रेड कलर में है ये ESCs हैं। ये किस काम आते हैं, बेसिकली जो वन फेज DC होता है उसको ये थ्री फेज AC में कन्वर्ट करते हैं। एंड ये जो मोटर्स हैं वो AC मोटर्स हैं, थ्री फेज AC पर काम करती हैं, तो वो बिना ESC के वर्क नहीं करती हैं। ब्रशलेस मोटर। उसके अलावा क्या होता है, हमारे पास GPS है। GPS जो हमारा ये सैटेलाइट से कनेक्ट होता है, फिर सैटेलाइट से कनेक्ट होने के बाद इसको हम जो भी पाथ देंगे ये उस पाथ पर बिना हमारे इस कंट्रोलर के कंट्रोल किए ये किसी पर्टिकुलर लोकेशन या किसी पर्टिकुलर रूट को फॉलो कर सकता है। उसके अलावा यहाँ पर नीचे की साइड में इसका जो बैटरी है, इस बैटरी के नीचे इसका पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है जो चारों ESCs को सेम पावर सप्लाई कर रहा है। एंड ये जो बैटरी है ये लिथियम पॉलीमर बैटरी है, अभी फिलहाल के लिए हम 2200 mAh का बैटरी यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा ये जो एंटीना आप देख रहे हैं ये टेलीमेट्री एंटीना है। टेलीमेट्री बेसिकली ये 10 किलोमीटर रेंज का टेलीमेट्री है, जिसके अंदर हम 10 किलोमीटर तक इसके अंदर कोई भी रूट प्रोग्राम या इसके पैरामीटर्स को हम रीड राइट कर सकते हैं। उसके अलावा जो इसमें है, इसका जो हम फ्रेम के ऊपर बताते हैं, इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जो प्रोग्रामिंग का काम है वो स्पेसिफिकली वो करता है, क्योंकि तुम्हें वे जरूर आना सीखा। चलो ये दिखाता हूँ मैं, इधर सामने में कैमरे जरूर आना सीखा तेना। अच्छा क्लोज आते। सो प्रोग्रामिंग का काम मैं कह रहा था स्पेसिफिकली ये करता है, और एयर फ्रेम का काम है जो वो मैं करता हूँ। बाकी का जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, इलेक्ट्रिकल का काम है, वो हम दोनों मिलके करते हैं। इसको कंप्लीट करने में काफ़ी डेज लगे हैं, क्योंकि इसके जब पहले टेस्ट फ्लाइट करते थे तो काफ़ी फेलियर्स हुए हैं। इसमें बहुत सारे हमने मोड्स इंस्टॉल किए हैं। सो एक मोड तो अभी भी सही से वर्क नहीं कर रहा है, उस पर हमें अभी हम काम कर रहे हैं। एंड पहले क्या था, टेस्ट फ्लाइट के टाइम पे काफ़ी बार क्रैश हो चुका है ये। सो ये हमारा बाकी का सेटअप है। पीछे जो है वो ट्रांसमीटर पड़ा है जिससे हम मोड्स वगैरह स्विच करते हैं। आगे जो है वो हमारी रियल टाइम लोकेशन है, हमारा जो लैपटॉप है उससे हमने एक टेलीमेट्री कनेक्ट किया है। टेलीमेट्री जो हमारा ट्रांसमीटर है उसमें वो जो हमारी रियल टाइम लोकेशन है वो मैप के हिसाब से बता देता है। एंड उसके अलावा बहुत सारे कंट्रोल्स हैं इसमें, जैसे कि एक्चुअल एयरक्राफ्ट में एटीट्यूड एंड डायरेक्शन इंडिकेटर होता है, इसमें भी वैसा ही होता है। जैसे इसमें पैरामीटर्स की बात करें तो जैसे इधर एल्टीट्यूड है, एयर स्पीड है, एंड आर्मिंग डिसआर्मिंग का सामने वार्निंग आता है। अगर कुछ प्रियम आता है तो वो उसका वार्निंग भी सामने आता है। ये एक काइंड ऑफ आर्टिफिशियल होराइजन है। अभी करंटली GPS ऑफ है तो इस वजह से नो GPS शो कर रहा है। अभी हम ड्रोन का टेस्ट फ्लाइट करने वाले हैं। हम स्पेसिफिकली गांव इसी रीजन से आए हैं कि टेस्ट फ्लाइट करने के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है, खास करके स्पेस काफ़ी मिल जाता है सिटी में जो अवेलेबल नहीं होता है। मिट्टी का ध्यान रखिए, मिट्टी बड़ी पैंदी है। Hi everyone,
वी आर एट अलवर रेलवे स्टेशन जंक्शन एक्चुअली, एंड हम जा रहे हैं जयपुर। मेरे हॉस्टल में कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे इंपॉर्टेंट, एंड कुछ बैगेज है, कुछ कपड़े वगैरह हैं वो लेके आने वहाँ से, क्योंकि मैं इंटर्न के लिए निकल रहा हूँ चंडीगढ़। सो कुछ इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स जो मेरे हॉस्टल में है वो मैं लेने जा रहा हूँ, हम दोनों साथ में जा रहे हैं। थोड़ा सामान ज़्यादा है इसलिए इसको भी मैं साथ में लेके जा रहा हूँ। अभी हमारी ट्रेन आने वाली है 5 मिनट्स में, सो हम वेट कर रहे हैं स्टेशन पर। दिस इज़ माई हॉस्टल रूम, जो कि जिस पर अभी बहुत मिट्टी पड़ी हुई है क्योंकि मैं यहाँ पर 1.5 साल बाद आया हूँ। कपड़े बिस्तरा सब ऐसे पड़ा है, मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स लोगों के लिए दिया हुआ रिपेयरिंग का सामान, मेरा डीओ वगैरह, ये मस्त चीज़ है। उसके अलावा ये जहाँ पे मैं काम करता था अपना ड्रोन वगैरह का, और भी कुछ पड़ा है, बहुत कुछ पड़ा है। मेरे बैग के ऊपर इतनी सारी मिट्टी, मेरा झाड़ू, मेरी कैटल, बहुत कुछ पड़ा है, गंद पड़ा है, मैं दिखाऊंगा नहीं। सी दिस इज ऑब्स्टेकल अवॉइडर रोबोट, अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा हुआ है। अगर ये देखो, इस मैगी भी छोड़ के गया था यहाँ पे, मैं भी चीनी भी पड़ी है, देखो चीनी भी पड़ी है। मैं भी हॉस्टल में बहुत कुछ छोड़ के आया था पहले, और इस बार भी छोड़ के आया हूँ, करना की होने था। गाइस ये सारे मेरे कपड़े उठा के लाया हुआ है, मैं भी दे रहा हूँ। की हालत कितनी है दी, अपना सामान चुकाएगा, की हालत कितनी है दी यार। हेडफोन बहुत अच्छा था, इसने एक साइड से तोड़ दिया। दिस इज़ आयरन स्टैंड, हम यूजुअली ड्रोन्स पर वगैरह पर काम करते हैं तो सोल्डरिंग की जरूरत पड़ती है, तो ये भी रखते हैं हम। ये हॉट ग्लू गन, बिल्कुल की करना है यार। अच्छा जी, की करना है एथरा, की करना है, इसको भी ले जा रहा हूँ मैं घर पे। कितनी वाहियात पैकिंग हो रही है। अभी अरेंज करेंगे इनको। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिली है, रेडियो कंट्रोल एयरक्राफ्ट के प्रोपेलर्स है, बहुत सारे हैं, कुछ ड्रोन के प्रोपेलर्स भी मिले हैं, एंड कुछ प्रोटेक्ट पोटेंशियोमीटर्स भी। रिस्पॉन्स है ठीक है, रोबोट्स ही यूज आने हैं ना। अच्छा यूजुअली ये क्या है, ओ बॉल व्हील है, तो आई थिंक उस रोबोट का है। पैकिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, पैकिंग अभी दिखती है। अरे पैकिंग ही होगी ना, की होया फिर गल कट्टिया जरूर कर तू। फाइनल इंस्पेक्शन, इसने भी मेरी तरह कबाड़ा भरा हुआ है रूम में। हाँ चप्पल, चप्पल तो सर्च मार रही है, करे है क्या तू, वॉशरूम पे कोई बिखर दी चीज है चलो मुंह धोने का कोई जुगाड़ तो मिल गया।
तू सब जान जाए मैं छोड़ नहीं सकती तेनू ताही ताही उगलाते रोज नचोने मैनू। कोई प्ले सॉन्ग गाना शुरू कर देते हैं। अभी तो ना फेस वॉश करके आए हैं, अभी थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। अभी तो गर्मी बहुत है यहाँ पर भी, कल भी गर्मी बहुत थी, कल तो 48 डिग्री पर टेम्परेचर पहुँचा हुआ था। इनका हॉस्टल बहुत अच्छा है अंदर से। सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है यहाँ पर। पूरा बोला। सो दिस इज माय हॉस्टल, पॉपुलरली नोन एज गंगा हॉस्टल। इन रिकॉर्ड इट इज विनोदिनी हॉस्टल एंड रूम नंबर 411 है मेरा, फोर्थ फ्लोर पर। हम अपना जो नेसेसिटी वाला स्टफ था वो ले चुके हैं एंड अभी मैं ढूंढने जा रहा हूँ मेरी साइकिल को। आई होप मेरी साइकिल मुझे मिल जाए, वैसे उम्मीद तो कम ही है क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत कम साइकिल्स दिख रही हैं। ये पूरा भरा हुआ होता था किसी टाइम पे साइकिल्स का, लेकिन अभी क्लीन कर दी गई हैं। सो दिस इज़ बेसिकली आर टेम्प्रेरी साइकिल स्टैंड। बहुत सारी साइकिल्स भरी होती हैं, आज मुझे बहुत कम दिख रही हैं। इनफैक्ट मुझे मेरी साइकिल की टेंशन हो रही है, पता नहीं दिखेगी या नहीं दिखेगी। मेरा हॉस्टल, ये हमारा मैस है। इसके ऊपर जो आपको रिफ्लेक्टर्स दिख रहे हैं उससे अपन सोलर को, जो अपनी सोलर रेज आती है उसको कंसंट्रेट करके एक पर्टिकुलर पॉइंट पर डालते हैं एंड उसके बाद उससे जो खाना है वो कुक होता है इसमें हॉस्टल में। बहुत ही अच्छा अपैरेटस है इसका खाना कुक करने का। बाकी मैं इसमें भी अपनी साइकिल्स ढूंढने जा रहा हूँ। इस साइड गर्ल्स हॉस्टल है और मेरे को लगता है ये ज़्यादातर इसी की साइड रहता होगा, इसकी हरकतों से ऐसा लगता है। VLTC, ये VLTC है हमारा लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स है जो यहाँ पर हमारे लेक्चर्स होते हैं। ये दिस इज एशियाज लार्जेस्ट लेक्चर थिएटर एज पर आई नो, एज व्हाट पीपल टोल्ड मी। इसके अंदर कुछ काम चल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है, बट कुछ अच्छा ही चल रहा होता है इसमें। ऑलवेज डेवलपमेंट होता है। धूप है बहुत हम और हमें पसीना आ रहा है, लेकिन मज़ा आ रहा है यहाँ पर। बहुत दिनों बाद कॉलेज आए हैं एंड अभी मैं फर्स्ट टाइम इसके हॉस्टल में आया हूँ। आधा किलोमीटर अभी और आगे चलना है, आधा किलोमीटर 800 मीटर्स एक्चुअली। कैब की लोकेशन मैंने वहाँ की सेट करी है क्योंकि थोड़ा घूमने को मिल जाएगा हमें भी। बाकी सामने का कैंपस काफ़ी अच्छा है हमारा, ग्रीन, पूरा ग्रीन कैंपस है। आपको दिखाते हैं इसका, जब यहाँ पर काउंसलिंग हुआ था तब मैं इसके साथ आया था यहाँ पर, आई थिंक इसी बिल्डिंग में, और मेरे को अंदर नहीं घुसने दिया था हरामियों ने, बाहर निकाल दिया था। खाली ये अंदर गया था। प्रभा भवन बोलते हैं इसे, और प्रभा भवन अच्छा। एंड इसमें अभी लिखा हुआ मिल जाएगा तो दिखा दूंगा मैं प्रभा भवन। एंड इसमें बेसिकली ऑफिसेज हैं, जो ऑफिस वर्क है वो यहाँ पे पूरा होता है। उसके अलावा कुछ जो कल्चरल प्रोग्राम्स के लिए जो थिएटर्स वगैरह होते हैं वो इसके अंदर हैं। छोटे छोटे थिएटर्स हैं बेसिकली, अगर बाहर कुछ बड़ा प्रोग्राम है तो वो उसके लिए बाहर अलग ओपन एयर थिएटर है और जगह है कैंपस में। सो हम कॉलेज के बाहर गेट पर पहुँचने वाले हैं वापस। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिस करी हैं मैंने, हम लोग ब्लॉग में नहीं डाल पाए क्योंकि तो जल्दी जल्दी में हमको वापस जाना था, कहीं और आगे निकलना था हमको। लेकिन यहाँ पर कॉलेज में और बहुत सारा, बहुत अच्छे फैसिलिटीज़ हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं और कॉलेज में। एंड डिस्पेंसरी है, अपना पूरा सिक्योरिटी रूम है हमारा।
सुबह से कुछ खाया नहीं था हमने, अभी हम एक रेस्टोरेंट में हैं खाने के लिए, यहीं रेलवे स्टेशन पर है। खाने पे भी पैकेज फूड किया, ज़्यादा कुछ अवेलेबल नहीं है अभी भी यहाँ पर, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। बॉक्सेस ऑफ श्रीखंड, ये कुछ अलग है जो इसने नहीं खाया होगा, मैंने खा रखा है, सो हमने बाय किया है हैबिट। तो ये है सोल्टेड चाट्स जो हम लोगों ने लिए है, कहीं किसी भी सर्विस पार्लर से भी मिल जाती है। सो राइट नाउ वी आर द वेटिंग रूम ऑफ जयपुर जंक्शन। अभी 2:35 को हमारी ट्रेन है, अभी 1:30 बजे हैं, सो हम वेट कर रहे हैं वेटिंग रूम में। स्लीपर क्लास का बेसिकली वेटिंग रूम है, जाते टाइम हमारी एसी ट्रेन बिल्कुल भी नहीं है, हमें नॉन एसी कोच में ट्रैवल करना पड़ेगा। बाहर बहुत गर्मी है, बाहर धूप चल रही है, पता नहीं हम ट्रेन में कैसे जाएंगे। मुंबई में कुछ स्टूडेंट्स को लू का नहीं पता होता है, लू बोलते हैं होटल और ड्राइव विंड को लू बोलते हैं, मैं वहाँ पर जाके लू बोलता हूँ तो फिर हंसते हैं। तो नेक्स्ट ट्रेन है हमारी चंडीगढ़ के लिए, मेरी इंटर्न लगी है चंडीगढ़ में, सो हम वहाँ पे जा रहे हैं अब। एंड अभी ट्रेन आने में लगभग 1 घंटा बाकी है, क्योंकि ट्रेन थोड़ी सी डिले हो गई है, और वैसे भी हमें थोड़ी आदत है, हम टाइम पर आ जाते हैं। एंड अभी हम वेट करेंगे, थोड़ा इधर उधर फिरेंगे, पूरे प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करेंगे, फिर जब ट्रेन आएगी तब हम उसमें चढ़ेंगे। आज इधर रोटी भी नहीं खाती अपन, हाँ रोटी तो खाती है नहीं आज। ट्रिप थी सो ट्रेन में शूट नहीं किया है हमने, और ट्रेन में कुछ दिख भी नहीं रहा था, और हमको नहीं पता था, हम भूल गए थे कि ट्रेन में ब्लैंकेट नहीं मिलेंगे, पूरी रात हमको ठंड लगती रही। हम दोनों अपनी अपनी एक एक टी शर्ट निकाल के बैग में से अपने सर पे लेट गए, ठंड की